आज आप 11 तारीख को हिंदुस्तान की सबसे दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं और ऐसी मूवी आ रही है कि करोड़ों लोगों के दिलों को छुएगी। आप ये सोचिए कि मैं आज आपको हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे प्यारे किस्से लेके आया हूँ जो दोस्ती के हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब दोनों अंतरंग दोस्त थे सर, और इतनी गहरी दोस्ती थी। राज कपूर साहब उनको बाबू मोशाई बोलते थे। अच्छा। और ये उनको जो पंजाबी कैरेक्टर देख के, जो आनंद पिक्चर की जो सर मूवी थी ना, वो उन्होंने बहुत साल पहले लिख दी थी। अच्छा। पर राज साहब एक बार बीमार पड़ गए और उनको लगने लगा कि अगर यार ये चले गए तो मेरा क्या होगा। तो उनके मन में ये था कि मैं राज साहब को कोई डेथ सीन नहीं देना चाहता। और जब ये पिक्चर बनने लगी तो उन्होंने वही पंजाबी कैरेक्टर आनंद सहगल का, कि राज साहब जो मुश्किलों में भी हंसते थे, वो अडॉप्ट किया। और उनको जो बाबू मोशाई कहते थे भास्कर चक्रवर्ती को, वो अमित जी को रोल दिलाया भास्कर से। अच्छा। और जब पूरी मूवी बन गई ना सर, तो उन्होंने डेडिकेट किया राज कपूर साहब को। दैट वाज इट। और आनंद जब बन रही थी ना सर, आनंद जब बन रही थी तो आप वाक्य सुनिए कि आप सुन के ताजुब कर जाएंगे कि उस समय सुपरस्टार हो चुके थे राजेश खन्ना साहब, और इनकी बड़ी रेंज थी ऋषिकेश मुखर्जी की। एक दिन इनफॉर्मली गुलजार साहब उनके साथ बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि यार ये पिक्चर कर लो ना, तो बोले पक्की बात है, बोले कर लो। तो दूसरे दिन ही वॉज एन लेट राइजर, राजेश खन्ना साहब सुबह सुबह उठना उनको पसंद नहीं था, पर अर्ली मॉर्निंग 10 बजे ऋषिकेश मुखर्जी साहब के यहाँ घर पर चले गए। तो वो ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि क्या आप क्या कर रहे हो इतने बजे जल्दी। तो बोले सर, बोले आप सुपरस्टार हो आप, मैं तो लो बजट वाला आदमी हूँ। बोले उन्होंने, राजेश खन्ना साहब ने लाइफ में पहली बार बोला कि आप मुझे 1 रुपया दे देना, पिक्चर मैं करूंगा और ये मेरी डेट्स की डायरी, आप डेट लिख दीजिए। और 30 डेज कंटिन्यूस वो शूट किया। जब ये मूवी चल रही थी तो राजेश खन्ना साहब के एक मेंटर थे थिएटर के, उन्होंने उनको बोला था कि तुम लाइफ में जतिन याद रखना, ये मूवी तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। और जब हुआ क्या साहब, राजेश खन्ना साहब की जब अंतिम यात्रा निकल रही थी ना, और 9 लाख लोग थे ना, उस समय आपने देख लिया होगा पूरे बम्बई में कॉर्नर पर लिखा हुआ था, आनंद कभी मरते नहीं। आनंद कभी मरते नहीं। और वही चीज़ हुआ सर कि उन्होंने, और पूरी टीवी पे वही आनंद के गाने चल रहे थे। उनका दोस्त का वो दावा था ना सर, दोस्ती का, कि वो दावा सच साबित हुआ कि ये जो है ना, ये मूवी तुम कर लो। और मैंने सुना है सर, आपने बोमन ईरानी जी को भी फोर्स किया था कि ये मूवी में आइए। फोर्स नहीं किया था, बोमन जी जो है, पहले तो मुझे आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगी और जिस तरह से आपने नैरेट किया बहुत अच्छा लगा। बमन जी अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इनके जो फ्रेंड थे वो दुनिया में नहीं रहे थे, मदर इनकी बीमार थी, तो सूरज जी की परफेक्ट ड्रीम कास्ट थी कि बमन जी भी उसमें शामिल हों, मैं अमित जी और बमन जी हों। तो जब मुझे इसी कमरे में बैठ के सूरज जी ने कहानी सुनाई और मैंने बाहर जाके बमन जी को कहा कि ये फिल्म जो है इसमें, और मैं आज आपको कैमरा के सामने कह रहा हूँ, ये इतिहास रचेगी। बॉक्स ऑफिस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो लोगों के दिलों में जो एक साहस डालेगी और दोस्ती के प्रति वो जो भावनाएं हैं दोबारा उजागर करेंगी, उसमें इतिहास रचेगी। पिक्चर तो चलेगी अपने हिसाब से। तो मैं चाहता था कि अगर सूरज जी की मन की इच्छा है कि जो उन्होंने सोचा है और मैं उसमें योगदान कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इनसे अपना हक जताया, इनके प्यार से धमकी से गालियां देकर मैंने इनको कहा कि आप ये फिल्म जरूर करिए, और आज हम बैठे हैं साथ में, इससे बड़ी और उपलब्धि की बात है। तो आप सब पूरे परिवार के साथ, के बाद ये फोन हुआ रात को 2-2.15 सेकंड के अंदर मैंने फोन रख दीजिए, उनको लगा होगा शायद मुझे अच्छा नहीं लगा, उनकी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगा अगर, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें दोस्ती भी थी और प्यार भी था और डांट भी था और बहुत अच्छा। 2 दिन के बाद मैं वहीं पे आके बैठा था, यहाँ पे सूरज जी यहाँ बैठे थे, मुझे कहानी सुनाई। तो साहब विद फैमिली आप करोड़ों लोग आइए, लोगों को ये दिलों को छू लेने वाली कहानी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू।